गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिक्स क्लास। आज ड्राइंग में हम आर्ट एंड स्किल्स से आपकी बुक में से बर्ड्स पेज नंबर 16 बर्ड्स करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स होती हैं, आपने देखे हैं, आप रूम में भी जाते हैं, इसी तरह से इसमें भी दी हुई हैं। पहले हम बर्ड्स ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें हम जैसे लास्ट वाली क्लास में हमने पेन शेडिंग दी थी, उसी तरह से पेन शेडिंग से उसे फिल करेंगे। ओके, ड्राइंग सीट लेंगे, अपने ड्राइंग पैड में करेंगे। ये बर्ड आपकी जो है, ये वाली बर्ड, इसे हम करेंगे। इसकी हेल्प के लिए, फेस के लिए हम एक स्मॉल सर्कल किसी बॉटल का ये बॉक्स का लेके सर्कल बनाएंगे। ये शो हो रहा है, देखिए पिंक कलर की आपको दिखाई दे रहा है सर्कल। सेम इसकी बॉडी बॉडी के लिए ओवल शेप का सर्कल आपको करना है, ओवल शेप का सर्कल। ओके, ये मैंने पहले से थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। ये हम ड्रॉ कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, इसके ऊपर जो सर के ऊपर होते हैं तरीके से। देखिए इसकी पिक चोंच, इसे हम इरेज कर देंगे पेंसिल वाले। इसमें शेडिंग देंगे, देखिए। ओके, इस तरह से हैंड्स को संभाल के यूज करना। एक बार जो पेन से आपकी लाइन डल गई, वो डल गई। पिक में चोंच में लाइट शेडिंग देंगे। शेडिंग का मैंने पहले ही आपको बताया लास्ट वाली क्लास में, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। ओके,
कंप्लीट दिस आईज के पॉसिबल पोर्शन. यहाँ भी छोटी छोटी सेकेंड लाइन, फिर इसमें सेम वाली नीचे वाली पिक साइड में करनी है थोड़ी सी डार्क ये. ओके यहाँ थोड़ी क्रॉस हैचिंग दी हुई है. क्रॉस हैचिंग मतलब इसे काटते हुए इस वाली शेड को अभी अपोजिट कट करोगे, से बोलते हैं क्रॉस हैचिंग. लाइन डालेंगे हल्की सी यहाँ में देनी है, इसमें स्लैंटिंग शेडिंग. सेम साइड इसकी शेडिंग है. इसकी नेक पे या भी शेडिंग करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम लाइटली शेडिंग, थोड़ा सा गैप देंगे. सेम सेकंड लाइन इसमें भी गैप देके कर देना है थोड़ा. ये यहाँ थोड़ा सा लंबाई में सेकंड लाइन जो पंचा है यहां से सेकंड वाला तरीके से शुरू कर देंगे. इसमें भी गैप में शेडिंग देंगे, गैप मेंटेन करके. सेकंड वाले में भी सेम यही. इसको पंख पर से आ रहे हैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लास्ट से फिर अगेन
और लास्ट ओके इसमें भी मैं शेडिंग देनी है शेडिंग देंगे एक एक लाइन करनी है आपको वन वन लाइन ये नहीं कि एक साथ बस लिया मिक्स कर दिया यहाँ पे इसे इस तरह से पंजा दिखा देंगे ये स्टैनी पे बैठा हुआ है ब्रांच ट्री की ब्रांच है थोड़ी थोड़ी शेडिंग दे देने नीचे जो आ रहे हैं इनको भी देना है शेडिंग में ये देखिए दोनों साइड Other side. Okay, same this side. इसी तरह से आपको ये पूरी जिस तरह से आपकी बुक में दी हुई है पिक्स में शेडिंग उस तरह से कंप्लीट करनी है अभी इनकम्प्लीट है फाइल में अपना पूरा कंप्लीट करेंगे इस वर्क को केयरफुली नीट एंड क्लीन वर्क कैप ही कंप्लीट हो गई इसी तरह से आप अपने फाइल में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स ओके स्टे सेफ स्टे होम स्टे सेफ ओके स्टूडेंट